बापू का 10:30 बजे सुनवाई। सलमान खान लाखों लोगों का दिल हो सकता है, लेकिन जोधपुर सेंट्रल जेल में वह सिर्फ कयाडी नंबर 106 है, जो साधारण दाल रोटी का काम करता था, जिसे उन्होंने नहीं खाया था। करीब 20 साल पहले दो ब्लैक बक्स की हत्या के लिए सलमान को जेल में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। उसे वार्ड नंबर में रखा गया है तो आत्मनिर्भर देवता आसाराम के सेल के निकट। जेल के अधीक्षक विक्रम सिंह सेलिब्रिटी कैदी के मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए नहीं कहा कि सलमान को सामान्य कैदी माना जाएगा और उसे कोई विशेष उपचार नहीं दिया जाएगा। सिंह के पास एक साधारण लकड़ी का बिस्तर, एक गलीचा और एक किलर होगा, सिंह ने कहा। उन्होंने कहा वह सलमान को सामान्य तौर पर दला चपाती जैसे जेल आहार दिया गया था और सुबह भोजन में सरल खिचड़ी शामिल होगी, सूत्रों ने कहा। हालांकि बॉलीवुड आइकन ने जेल भोजन नहीं खाया। सिंह ने कहा कि जब जेल के अंदर आए तो अभिनेता के पास रक्तचाप का मुद्दा था और जेल की डिस्पेंसरी के डॉक्टर ने उसे चेक किया था। उसके रक्तचाप को बाद में सामान्य घोषित किया गया था। एक गैंगस्टर सलमान को धमकी दी गई खबर पर सिंह ने कहा, हम कल से कुछ अन्य कैदियों के साथ रखने की सोच रहे हैं ताकि वह अकेले ही उनके लिए खतरे को देखे। एक स्थानीय गैंगस्टर ने कथित तौर पर कहा था कि वह जोधपुर में सलमान को मार देगा। जोधपुर अदालत ने अक्टूबर 1998 में उनके बॉलीवुड सहयोगियों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे और एक स्थानीय दुष्यंत सिंह को इस घटना के लिए संदेह का लाभ देने से बरी कर दिया। सलमान की लोकप्रियता के कारण ध्यान आकर्षित करने के अलावा मामला भी राष्ट्र की कल्पना को पकड़ा, क्योंकि यह पहली बार था कि 5 कलाकार एक ही मामले में शामिल थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने अपने लिखित फैसले में कहा, आरोपी एक लोकप्रिय अभिनेता है जिसका काम लोगों द्वारा किया जाता है। इसके बावजूद आरोपी ने दो ब्लैक बक्स का शिकार किया। फैसले ने हिंदी फिल्म साम के बुरे लड़के के लिए सहकर्मियों से सहानुभूति की लहर पैदा कर दी, जिनके जीवन और व्यक्तिगत जीवन को विवादों के साथ पेश किया गया है, जिसमें एक हिट एंड रन मामले में एक हत्याकांड का आरोप भी शामिल है जो अभी भी लंबित है। अभिनेता राजनेता जया बच्चन ने नई दिल्ली में संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, मुझे बुरा लगता है, उन्हें राहत मिली जानी चाहिए, उन्होंने मानवतावादी काम किया है। सुबह से मीडिया के कर्मचारियों, सैकड़ों स्टग्ज़ और सुरक्षा कर्मियों ने अदालत के परिसर में सलमान और अन्य आरोपी को इंतजार करने के लिए इंतजार किया। अदालत से 2 किलोमीटर की दूरी पर फोन कैमरे के साथ सरवार बड़े भीड़ को 52 वर्षीय के रूप में एक बोलेरो पुलिस जीप में ले जाकर जोधपुर सेंट्रल जेल में एक रात बिताया गया था। कुछ ही घंटों के भीतर जेल में प्रवेश करने के लिए एक काले शर्ट और जीन्स में सलमान की तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया भड़क उठी। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने सजा का स्वागत किया और कुछ ने कहा कि सलमान को वन्यजीव अधिनियम के तहत अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। पीपल फॉर पशु के गौरी मौलखी ने कहा, हमें खुशी है कि न्याय प्रबल हो गया है और एक सीरियल अपराधी सलाखों के पीछे है। न्यायपालिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आरोपी की लोकप्रियता अदालत के सामने मामला नहीं है, जैसा कि सजा 3 साल से ज्यादा है। सलमान को जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील करना होगा। उनके वकील आनंद देसाई ने कहा कि सत्र अदालत शुक्रवार को 10:30 बजे सजा जमानत को निलंबित करने की अपील सुन जाएगी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि सलमान ने लगातार 2 हिरणों की शूटिंग करने से इनकार कर दिया है। जेल के सूत्रों का कहना है कि सलमान को बैरल नंबर 2 में भारी सुरक्षित और सुरक्षित सेल में रखा गया था। जेल में कम से कम एक रात तक जेल की सुनवाई तक उसे खर्च करना होगा। यह जोधपुर सेंट्रल जेल में
सलमान का चौथा कार्यकाल है जिसमें धार्मिक प्रचारक आसाराम बापू भी हैं, जिन्हें बलात्कार का आरोप है। उन्होंने पहले 1998, 2006 और 2007 में जेल में कुल 18 दिनों का समय व्यतीत किया था, सभी शिकार के मामलों के लिए। ब्लैकपैक मामले में अंतिम बहसें 28 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पूरी हुई। उनके फैसले में खत्री ने भी 1 रुपये लग दिया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद 10,000 का जुर्माना, जिसके तहत 6 साल की सलाखों के अधिकतम सजा का प्रावधान है। 1 अक्टूबर 1998 की रात को फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान अभिनेता को जोधपुर के पास कांकी गांव में ब्लैकपक्स को गोली मारने और मारने का आरोप है। ब्लैकपक एंदलूप परिवार से एक लुप्तप्राय जानवर है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची में शामिल है। अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई के अनुसार अभिनेता सवारी के साथ ड्राइविंग सीट में उस रात जिप्सी में थे। उन्होंने ब्लैकपक्स का झुंड देखा और उनमें से 2 को मार डाला, बिश्नोई कहते हैं। हालांकि सलमान के वकील ने कहा कि तथ्य यह है कि अदालत ने सभी 5 सह आरोपी को बरी कर दिया है। इसका मतलब यह होगा कि सलमान अकेले जोधपुर के बाहर एक दूर दराज के इलाके में रात के मध्य अकेले शिकार से बाहर थे। सभी अभियुक्त, जिनमें से कुछ उनके परिवार के सदस्यों के साथ थे, न्यायालय में थे जब फैसले को पढ़ा गया। उद्योग में सलमान के दोस्तों ने इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि अभिनेता को अपने स्टार स्टेटस के लिए कठोर दंडित किया गया था। कई फिल्मों में सलमान के साथ काम करने वाले निर्देशक सुभाष घाई ने कहा, मैं बेहद चिंतित हूँ। उन्होंने ट्वीट किया। नीलम के पति अभिनेता और निर्देशक समीर सोनी ने कहा कि वह अपनी पत्नी से खुश हैं। उनका मानना है कि सलमान को अपने स्टार दर्जा के लिए निशाना बनाया गया था। सोनी ने कहा, मेरे पास अभी मिश्रित भावनाएं हैं। यह एक 20 साल पुरानी है। मुझे नहीं पता कि सलमान को क्यों समझाया गया था। ऐसा लगता है कि स्टार का दर्जा इस तरह से आया है। बिश्नोई समुदाय के सदस्य मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं और प्रकृति और वन्य जीवन के लिए उनके सम्मान के लिए जाना जाता है। हालांकि कहा कि न्याय किया गया था। यह मामला राष्ट्रीय स्पॉटलाइट के तहत था। मीडिया ने हर विकास पर निगरानी रखी थी। सोशल मीडिया और टेलीविजन और व्यापार विश्लेषकों में उनकी प्रशंसकों को देखते हुए उत्सुकता से देखने के लिए स्टार के भाग्य को जानने के लिए, जिसने अपने अगले उपक्रमों पर 600 रुपए की सवारी की है। रेस 3, भारत और दबंग 3। सलमान को मुंबई में एक जेल की जिंदगी भी थी, जब वह एक हिट और रन में भी शामिल था। उनकी सफेद टोयोटा लैंड क्रूज़र कथित रूप से मुंबई में बांद्रा स्थित हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में गिर गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई और 28 सितंबर 2002 को 4 घायल हो गए। उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अपील दायर की है।